दोस्तों आप ये खाटी लग चुका है, इधर बिछा दे खाटी और देखिए रूम कितना ही आज ज्यादा अच्छा लग रहा है। पूरा खाली खाली रूम लग रहा है और ये कमरा भी काफी प्यारा लग रहा है, काफी मस्त लग रहा है। गांव का दन देसी घर, देहाती लोग का दन मस्त वाला घर। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से और एक न्यू ब्लॉग्स में। और अभी 6 बज रही है सुबह की और आप सभी लोगों को हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और इधर सुबह सुबह जला दिए कोयले का चूल्हे को, क्योंकि अभी चांदनी का नाश्ता बनाना है, स्कूल जाएगी, खाना बनाना है और आज का मौसम काफी एकदम अच्छा मौसम है। इधर से चांदनी भी उठ करके आ रही है, बाबू भी आ गया, इन लोग सोए हुए ही थे। हम लोग सुबह उठ करके इधर चूल्हे को पहले जला देते हैं डेली, और यहाँ लकड़ी अगर काट के देना रहता तो वो हम दे दिए थे काट करके। और आज भी तेज धूप निकला हुआ, देखिए कितना ही ज्यादा तेज धूप आज निकला हुआ, पूरा क्लियर मौसम लग रहा है। आज जल गए क्या? नहीं। और अभी कितना अच्छा अभी जल रहा है अभी कोयला का चूल्हा। और सुबह सुबह इधर मम्मी भी आ गए, गए हुए थे इधर गोबर फेंकने के लिए खेत तरफ। सुबह उठ करके अपना काम पे लग गए, साइकिल चला रही है। ब्रश करो, कर ली। अच्छा हम लोग बाहर में थे, अच्छी बच्ची सुबह उठ करके ऐसे ब्रश करना डेली। हाँ पापा भी आ गए वो वाला घर से, इसका साइकिल को रख दे रहे अंदर में। दिन भर बस बच्चे साइकिल से ही खेलते रहते हैं। आ जाओ आ जाओ। और पापा इसको खोल दे रहे हैं, ये खराब हो गया था, इसमें नया लगेगा, नया लाएंगे मार्केट से लगाएंगे। और देख रहे हैं कि चांदनी को क्या क्या होमवर्क मिला आज, अभी होमवर्क ही दिखा रही है और याद करेगी। अभी याद नहीं की ना तो चांदनी को मार मिलेगा भाई। अभी दिखाओ गंदिस, मतलब क्या होता है इतने जल्दी भूल गई, कल का तो स्कूल का है ही। दिस इज अ बैग, यह एक बैग है। दिस मतलब होता है यह, इज मतलब है, ए मतलब एक, बैग मतलब थैला, बैग जो स्कूल लेके जाती हो। दिस इज अ बैग, यह एक बैग है, एक थैला है, देखो दिस है ना। होमवर्क करवाते हैं पहले चांदनी का। ऐ बाबू इधर मस्ती कर, लिखो इसको लिखो। नाश्ता देख रहे चांदनी का कितना देर में हो रहा है। देखिए हम लोग का बाबू को यहाँ क्या कर रहा, अकेले ये मस्त है, आराम से बैठ के खेलते रहता है लेकिन खाना नहीं। और कल नाक में इसको थोड़ा सा चोट आ गया, देखिए बच्चे लोग गिराए थे। बाबू बैठ के रहना, हम चूल्हा लेकर के आते हैं जल्दी से। मिट्टी नहीं खाना, मिट्टी नहीं खाना, ऐ मिट्टी मार मिलेगा, मिट्टी खाएगा तो बाबू को मार मिलेगा। तो देखिए चूल्हा यहाँ पे दिया हुआ है जलाने के लिए, हम लोग यहाँ जलाए ना तो फटाफट चांदनी का नाश्ता बना देंगे। चांदनी लेकर के जा रही बाबू को, भाई गिराएगी गिराएगी गिराएगी। चूल्हा को ले आए। ए चांदनी बस चल गया, बस जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी रेडी हो, जल्दी जल्दी। और दोस्तों हो गया काफी दिक्कत, चांदनी की स्कूल बस चली गई, छोड़ गया चांदनी का स्कूल बस, खाना पीना बन भी नहीं पाया, इधर गिर गया ही वाला दिक्कत हो गया। चांदनी यहाँ पढ़ाई कर रही है, स्कूल छोटी स्कूल बस छोड़ गया तो। अरे बाबू का क्या लग गया, ए क्या लग गया हेलमेट? हाँ दीदी वाला लगा दी। ए बाबू खुश नजर आ रहा भाई, चांदनी का स्कूल बस छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आज दिन भर आज घर में ही पढ़ाई करेगी, स्कूल से ज्यादा घर में पढ़ाई करेगी। तो सबसे पहले हमको जाना होगा बाजार, और बाजार से एगो पाइप लेकर के आना होगा, इसे भी हमारा पाइप अभी एगो घट रहा है, अभी पूरा वो प्लास्टर वगैरह होगा ना तो वो ऊपर लगा ना पटाएंगे, तो वही पाइप को जोड़ेंगे और पूरा धो देंगे अच्छा से हो जाएगा। तो फटाफट हम लोग मुकान धोते हैं फिर नाश्ता वास्ता कर ले, नाश्ता के एक ही बार हम लोग का खाना ही बनता। अब मम्मी इधर खाना बना रहे नाश्ता वगैरह, तो चांदनी को तैयार कर रहे थे लेकिन गाड़ी छूट गया, अब जा रहे दूध निकालने। तो अभी दूध निकालेंगे मम्मी जी तो धुकना पड़ता है, तो ले आइए रिया जी लेकर के आ रहे हैं ये धुकने वाला, कोई भी कपड़ा धुक देंगे ना तो अच्छा होगा। पहले ये बच्चिया पहले पी लेगी फिर बाद में भी पिएगी। आ तो ये पन्हा ली अभी, और अब दूध निकालेंगे मम्मी जी। चारों तरफ पूरा भी हरा हरा लग रहा है, घास का भी कोई कमी नहीं है, घास अभी हो गया अभी दूध भी अभी ज़्यादा दे रही है, और डेली मम्मी जी ही निकालते हैं दूध। घर 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 आवाज आ रहा है, ये बादल कैसा लग रहा है?
लग रहा है कि पानी पड़ेगा। हाँ, लेकिन आज आज पानी पड़ेगा क्योंकि आज काफी ज्यादा गर्मी है, धूप बहुत ज्यादा है। तो इतना सा दूध निकाल नहीं है, कुछ कम नहीं, तो एक पहला है। अभी अभी ज्यादा अभी दूध अभी ना दे रही है गाय, अभी अब छोड़ दिए, इससे और इतना आधा दूध और देगी इतना। क्या रे बाहर निकल रहा था क्लिप, इसको सता दे। कहाँ जाना ए, नहीं बैठता बैठाने से ना, ना ना नहीं बैठा, पापा से अंदर ले गए, वहाँ बैठा देंगे। अब ब्रश कर लिए, करिए करिए, हम भी जाएंगे ब्रश करके। तो कोलगेट ब्रश ले लिए, फटाफट कर रहे हैं, और पापा जी भी तेरा ब्रश करेंगे। दतुवन थोड़ा सा छोटा सा को दतुवन है, तो मुँह कान धो लिए बढ़िया तरह से सभी लोग, हम भी धो लिए। उधर चाय बना हुआ है, मम्मी जी इधर चाय बनाए गर्मा गर्म, चाय अभी निकाल रहे हैं। तो चाय निकाल लिए सभी सहन के लिए, चलते ट्रे में लेकर के। चलिए, एक मिस्त्री जी है, पापा जी हैं। ए चाय चाय ले ले, ए रूपक गर्मा गर्म दिमाग फ्रेश कर, चाय पी के। इनका मशीन खराब हो गया, सुबह सुबह मशीन बना रहे, यात्रा खराब हो गया ना। तो सभी को दे दिए चाय और हम भी चाय ले लिए। और इधर सभी क्या हो रहा भाई, अभी बाद में ना, नानी चाय पी ले, चाय पी ले, नानी चाय पी ली है, चांदनी पी ली, ए चांदनी बेटा चाय पी ली, ये गिलास चाय पी ली भाई। तो चाय अगर आप पी ली हैं और नान जी भी पी ली हैं, बाहर कहाँ जा रहे हैं, अब खाना पीना खाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद जाएंगे बाजार, मित्री जी को भी लेके जाएंगे। अरे आसमान कैसा दिख रहा है, देन सांप का जो आंचूर होता है ना, मछली का जो आंचूर होता है ना, मछली सा लग रहा है आज का ये। तो खाना बनने में थोड़ा सा लेट है, तो रात का यहाँ पानी वाला भात है, दही वाला लेकर के खाते हैं, इसमें भुंजिया, इसमें दाल है। तो खाना इधर लग चुका है, इधर प्याज काट दिए, तो प्याज और नमक के साथ खाएंगे पानी भात आज। गांव में खाने के लिए कोई नहीं, जैसा मन तैसा गांव के लोग खाना खाते हैं, जैसा मन तैसा मतलब बढ़िया ही खाते हैं। और दोस्तों खाना पीना हम खा लिए और अभी जा रहे थोड़ा सा बाजार, सामान लेकर के आना, पाइप लाना है, और क्या लाना बताओ, कुछ चाहिए सामान तो जल्दी बोलो। क्या इधर देख के बोलो, क्या ड्रेस, अच्छा स्कूल ड्रेस, ठीक है जाओ पढ़ाई करना घर में, नाश्ते स्कूल गई नहीं, हाँ उसके बाद आके वाला करेंगे हम लोग। और मम्मी कह रहे हैं कुछ सब्जी लाना है क्योंकि बाजार वगैरह किए नहीं है, और मौसम भी थोड़ा भी पूरा लग रहा है कि पानी आएगा, पूरा एकदम बादल छाया हुआ है, तो फटाक चलते हैं और लेकर के आते हैं। तो गाड़ी हमारा वहीं पे रखा हुआ है, और ये देखिए दोस्तों हमारा स्कूटी यहाँ पे रखा हुआ है, चलते हैं सकोला। और दोस्तों अभी निकल गए मार्केट के लिए, और देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है दोस्तों आज का जो दृश्य है, सच में वाकई में काफी मस्त लग रहा है पूरा। ये पूरा बंडल कितना पड़ेगा, 1000 पर्सन है, खड़ा करें, खड़ा करें यार, ऐसे कैसे लेते हो, तो यहाँ से ले लिए पाइप, अब चलते हैं घर, यही पाइप का जरूरत था विशेष। और दोस्तों अभी घर पहुंच गया सामान लेकर के, पाइप को ले आए, इधर मिठाई भी ले आए, देखिए प्लास्टिक में खोल ले आए। अरे इधर चांदनी भी आ गई दौड़ करके, याद की पहले लोग बताओ, याद की पकड़ो, पूरा घर तक आ जाएगा, पहले हमारा पूरा घर तक पाइप आ जा रहा था, इधर नहा करके चांदनी का कपड़ा साफ कर दे रहे। कहाँ रे, ए कहाँ चोट लग गया है, नाक में चोट लग गया, दीदी लगा दी, दीदी दीदी दीदी, हाँ
दीदी लगा दी चोट यहाँ, ए लगा दी, कौन लगाया? बुद्रा बाबू ना, त्रिया जी खाना लगा दिए बाबू की मम्मी, लग गया खाना, अभी पानी लगा रहे हैं, फिर खाना लग चुका है। दिन भर में अभी खाना खा रहे हैं सही से, सुबह तो बस ऐसे खा के गए थे बात से बात, चले खाना खा लेते। और दोस्तों खाना पीना खा पी करके हम चले गए थोड़ा सा ऊपर वाला घर में, मिस्त्री लोग आए थे ना तो देखने के लिए, और अभी शाम होने चला। और दोस्तों आज रात भर हम लोग काम करके ये घर का पूरा हम लोग काया ही पलट देंगे आज, जो आप लोग अभी देख रहे हैं कबाड़ा सा ना, चारों तरफ जो सामान वामान जो बिखरा पड़ा हुआ है, इधर भी सामान वगैरह बिखरा पड़ा हुआ है, पाइप तो हम लेकर के आ गए, पूरा आज सफाई करेंगे पूरा ही, और रात भर में पूरा नक्शा चेंज कर देंगे, पूरा काया पलट जाएगा। गिरेगा गिरेगा बाबू गिरेगा, नाक में चोट लग गया ना, और लग जाएगा। अरे वोल्टेज बढ़ गया, इसको बंद कर दे रहे, काम करेंगे तो हवा जो झाड़ू लगाएंगे तो पूरा गंदा इधर उधर हो जाएगा, तो फटाफट लीजिए 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 ही उधर रख दे रहे, पेंट करवाएंगे तभी मस्त लगेगा। इधर सारा सामान को इसे खाली करना ही है, सब सामान को खाली करना। और दोस्तों पूरा कमरा को लोग खाली कर दिए, जितना भी सामान इधर रखा हुआ था सारे सामान को बाहर निकाल दिए, और आधा सामान को आंगन में कर दिए हैं, क्योंकि पूरा खाली हो गया, इधर भी पूरा खाली हो गया। अब पाइप को जोड़ेंगे और पानी से पूरा धो देंगे, पूरा ही धो देंगे, ब्रश मार मार के ठीक हो जाएगा। सीढ़ी लाएंगे उसको फिर सारा साफ करते हैं हम लोग, यानी कि आज रात भर पूरा एकदम चेंज कर देंगे। तो दोस्तों सीढ़ी को ले आए और पहले इसको ढक दे रहे हैं, पाइप को भी लगा दूंगा, अब कनेक्शन देकर के आते हैं फिर पूरा धो देंगे, ये जितना भी गंदा दिख रहा सब साफ हो जाएगा। देखिए इधर लगा दिए पाइप को, पूरा सफाई करते हैं अभी, अभी 2-3 घंटा लगेगा पूरा क्लीन हो जाएगा। हाँ जितना तक भींगेगा भींगाते रहना, ये पूरा सब साफ हो जाएगा, नहीं तो पहले पूरा एक बार भींगाते रहे सीढ़ी में चढ़ करके। और दोस्तों पूरा रगड़ रगड़ के पूरा साफ कर रहे हैं, ऊपर ऊपर हम रगड़ रहे, देखिए जहां जहां रगड़ रहे हैं उधर कुछ अलग लग रहा है, और रियाजी नीचे नीचे रगड़ रहे हैं, तो इतना पूरा साफ हो गया, बस ऊपर ऊपर रगड़ेंगे। और दोस्तों अभी हो गया रगड़ा हुआ, पूरा रगड़ दिए और साफ कर दिए, पहले से कितना लग रहा है उजाला उजाला, काफी मस्त हो गया, बस थोड़ा मोड़ा बाकी है नीचे करना। तो पूरा हो चुका है ऊपर ऊपर रगड़ा हुआ, मतलब ऊपर नीचे पूरा हो चुका है, बस अब ये जो जमीन है ना, बस जमीन को अब थोड़ा सा धोना है, पानी से रखे हुए उस पे पानी आधा इसमें है, इधर भी है, हो जाएगा, ये पूरा साफ कर दिया हम लोगों को, कितना अच्छा लग रहा है, पहले कितना कपड़ा कपड़ा लग रहा था, अब इसके ऊपर पेंट मारेंगे ना, पेंट भी अच्छा से अब लेगा। और दोस्तों ये कमरा को पूरा अभी साफ कर दिए और जितना पानी था सब निकाल दिए हैं, अब ये रूम का जितना भी सामान है सारे सामान को यहाँ ला करके रखना, इसको बढ़िया तरह से सेट कर देते हैं, विलेज गांव वाला लुक में इधर नजर आएगा, अभी इधर खटिया अगर अच्छा से भी सेट कर देते हैं काफी अच्छा दिखेगा। आज पूरा रूम को पूरा फाइनल हम लोग कर देना, रात होते तो पूरा फिनिश हो जाएगा, मतलब आज रात में ना पूरा एकदम मस्त हो जाएगा, सुबह उठेंगे ना तो देखेंगे कितना अच्छा रूम लगेगा। तो फटाफट हम लोग एडजस्ट करते हैं, इधर रिया जी बिस्तर अगर आपको बिछा रहे हैं, और अभी खाली खाली कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है हमारा कमरा, देखिए ये भी खाली खाली है, सारा सामान को हम लोग बाहर कर दिए हैं और फिर वहां से धो धो के पोंछ पोंछ के अंदर रख देंगे। और दोस्तों आप ये खाटी लग चुका है, इधर बिछा दिया खाटी, और देखिए रूम कितना ही आज ज्यादा अच्छा लग रहा है, पूरा खाली खाली रूम लग रहा है, और ये कमरा भी काफी प्यारा लग रहा है, पूरा सफाई कर दिए हैं, काफी मस्त लग रहा था, गाँव का दन देसी घर देहाती लोग का दन मस्त वाला घर। तो और एक खाटी लेके आ गए हैं, अब इसको बिछाएंगे ना, देखिए खटिया के नीचे में है बाबू, हटा लीजिए उसको, अब बिछा दिए अच्छा से इसको, अब इसमें लेदरा बिछाएंगे। तो ये खाटी हो गया बिछाया हुआ, दूसरा खाटी बिछा रहे हैं, और अब हमारा होने ही चला, बस खाटी हो जाएगा बिछाया हुआ, फिर आप सभी लोग दिखाते हैं हमारा कमरा कैसा दिख रहा है, कैसा दिखेगा। और दोस्तों आप सभी लोगों को दिखा रहे कि हमारा कमरा अभी कितना अच्छा लग रहा है, और अभी अभी रात का लगभग यही 7 बज रहा होगा, और दिखा रहे आप सभी लोगों को, ये देखिए रात भर अगर मेहनत की है अभी,
हाँ सर, 7-8 बज गया होगा, सारा आनंद सफाई उफाई हो गया, सारा चीजें अपन कर दिए। देखिए कितना भी अच्छा लग रहा हमारा कमरा, पूरा मस्त बेड वगैरह सब खटिया वगैरह सब बिछा दिए ना, गाँव का एकदम मस्त हमारा कमरा है, अच्छा लग रहा है, पूरा मेहनत पूरा साफ कर दिए। हमेशा चाहते ऐसे घर को रखे लेकिन रह ही नहीं पाता है, खराब गंदा हो जाता है, सामान से भर जाता है। अब कुछ हो जाए, अब बन जाएगा ना पूरा दरवाजा लग जाएगा, सारा पलंग अगर लाएंगे और सारा सामान को करके बढ़िया से रखेंगे, अच्छा रखें। कितना बार सोचते हैं ऐसा कमरा रखेंगे, हाँ। फिर ऐसे ही हो जाता है, मतलब गंदा हो जाता है, फिर काफी अच्छा लग रहा है ना, खाली रहता ना तो अच्छा लगता है। हाँ, चलिए खाना पीना हम लोग भी खाएंगे, फिर आराम करेंगे, काफी मेहनत किया वो सारा साफ कर देना, साफ करके पूरा ही हो गया। तो चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहे, खुशियां बांटे, बाय बाय दोस्तों।